हेलो दोस्तों, नमस्कार और सभी को मैं और एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। जो ये वीडियो आज बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि जो जो नया यूट्यूबर है उनको लगता है उनका वीडियो सर्च रैंक में नहीं आता, तो लगाते हैं जो बहुत सारा टाइटल लगाते हैं, बहुत सारा टैग लगाते हैं, लेकिन वो टैग को सर्च करने के बाद भी उसका वीडियो सर्च में नहीं आता है, उसको खुद ही नहीं मिलता, वीडियो कहाँ चला जाता है, शायद वर्ल्ड के बाहर चला गया उसका वीडियो, ऐसा उसको लगता है जो मेरा वीडियो सर्च में नहीं आता। मैं कितना भी टैग लगा देता हूँ, कितना अच्छा टाइटल लगा तो फिर भी मेरा वीडियो रैंक में नहीं क्यों आ रहा है। तो हर एक यूट्यूबर को लगता है सब साथ करके क्या होता है, नया नया यूट्यूबर को माइंड में ही चलता है जो मेरा वीडियो रैंक में क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना अच्छा टाइटल लगाता हूँ, इतना अच्छा टैग लगाता हूँ, फिर भी मेरा यूट्यूब वीडियो क्यों रैंक में नहीं आ रहा है। तो मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बोलने वाला हूँ जो कैसे मेरा वीडियो को आज मैं रैंकिंग में लेके आया हूँ। तो आज आपको लाइव को देखने वाला हूँ, तो जरूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और साथ ही साथ नया यूट्यूबर का माइंड में मैं हटा दूंगा जो आपका भी हो सकता है, आपका वीडियो रैंक में ले आ सकता है कैसे। तो जरूर आपको वीडियो को देखना है, कि ऐसे नहीं सोचना है जो मेरा वीडियो में वॉच टाइम ज्यादा नहीं आता, मेरा व्यूज नहीं ज्यादा आता, मेरा ऑडियंस रिटेंशन भी ज्यादा नहीं है, फिर भी मेरा वीडियो को मैं कैसे रैंक कराया हूं, तो फिर भी आपको भी लाएगा, शायद आपका भी हो सकता है आपका व्यूज ज्यादा नहीं आता, आपका वॉच टाइम भी ज्यादा नहीं आता, आपका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा नहीं होता, फिर भी आप चाहे तो आपका वीडियो रैंक में ले आ सकते हैं, सर्च में ले आ सकते हैं, जो आप भी जो टैग यूज किया, जो भी टाइटल यूज किया उसको सर्च करके आप भी आपका वीडियो रैंक में ले आ सकते हैं, और 10th या 5th या 15 के अंदर आपको वीडियो रैंक में आ जाएगा। मैं आपको 100% ये उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नया यूट्यूबर के पास फैल दीजिए, क्योंकि उन लोगों का माइंड में बहुत सारा सवाल चलता है जो उसका वीडियो रैंक में नहीं होता, लेकिन मैं आज का 100% कोशिश करूंगा जो आपको रैंक में ले आने के लिए। तो मैं जरूर आपको लाइव को देखने देने वाला हूं जो मेरा वीडियो कैसे मैं रैंक में लेके आया हूं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो क्या क्या वो चीज है, मैं क्या क्या किया हूं उसके वजह से मेरा रैंक में है। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देखा देता हूं जो आपको लाइव प्रूफ जो कैसे मेरा वीडियो को रैंक में लेके आया हूं। पहले मैं YST स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया हूं, तो आप लोगों के पास अगर नहीं होगा तो मैं लिंक दे दूंगा, तो YST स्टूडियो को जरूर आप लोगों को यूज़ करना है। तो मैं पहले YST स्टूडियो को ओपन कर लेता हूं, तो मैं YST स्टूडियो को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं आपको देखा देता हूं जो कौन सा वीडियो मेरा अभी रैंक में चल रहा है। तो मैं व्यू मोड में चला जाता हूं, तो व्यू मोड जाने के बाद मैं एक जो Amazon लॉन्च है न्यू फीचर, इसको मैं कुछ दिन पहले अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं जो फास्ट 7 डेज 14 आवर्स, मतलब एक सप्ताह हो गया उसका, 1 वीक हो गया उसके अंदर मैं इसके किया था। तो देख सकते हैं इसका जो व्यूज़ कितना है, 14 है, देख सकते हैं इस समय, देख सकते हैं 14 है, 4 कमेंट आया है, 5 लाइक आया है, ठीक है। इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं 1.10। इसका मैं गो टू वीडियो एनालिटिक करता हूँ, तो जैसे ही कर लेता हूँ देख सकते हैं इसका ड्यूरेशन कितना है, मेरा वीडियो का लेंथ है 4 मिनट 12 सेकंड का है, लेकिन इस जगह में जो वॉच टाइम कितना हुआ, एवरेज देखा 1.10, मतलब 1 मिनट 10 सेकंड तक देखा है। इसका जो ऑडियंस रिटेंशन आया वो 28.1%, ठीक है। और देख सकता है जो इसका ट्रैफिक सोर्स ब्राउज फीचर से आया, चैनल और यूट्यूब चैनल से इतना आया है, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो मेरा चैनल में इतना वॉच टाइम इससे ज़्यादा नहीं आया, और वॉच टाइम में कितना आया देखिए 17, मतलब 17% क्या है वॉच टाइम आया है। तो आप लोगों को लगते होंगे जो शायद ये वीडियो रैंक में नहीं आएगा, तो देख सकते हैं मेरा टाइटल में क्या क्या लिखा है, Amazon लॉन्च न्यू फीचर, Amazon ऐप न्यू अपडेट, हाउ टू अपडेट Amazon ऐप, Amazon मोटिज, ठीक है, ऐसे में लिख दिया हूँ। और साथ ही साथ आपको मैं एडिट में जाके आपको देखा देता हूँ जो क्या क्या मैं टैग भी यूज़ किया हूँ, तो देख सकते हैं मैं आ गया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको देखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन आने के बाद देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में वही लिखा हूँ जो मैं टाइटल में लिखा था पहले, वही डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इन दिस वीडियो कवर दैट, ये बहुत सारा मैं क्या टैग को इस जगह में डाल दिया हूँ, हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको देखा देता हूँ जो इस जगह टैग में क्या डाला हूँ, और देख सकते हैं जो Amazon ऐप न्यू अपडेट, हाउ टू Amazon ऐप, ऐसे में जो भी था टाइटल में कुछ कुछ इस जगह में डाल दिया हूँ। तो चलिए मैं अभी चला जाता हूँ जो यूट्यूब में, और सर्च करके देखते हैं जो मेरा वीडियो रैंक में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मैं और यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यूट्यूब को ओपन कर लिया हूँ। तो यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं सर्च में चला जाऊँगा, सर्च में जाने के बाद मैं सर्च कर लूँगा जो Amazon ऐप न्यू अपडेट
देख सकते हैं मैं अमेजोन ऐप न्यू अपडेट ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद वो देखेंगे जो ये शायद मेरा 8 रैंक में रैंक कर रहा है। देख सकते हैं जो ये मेरा वीडियो है आप लोगों को दिखाया था जो अमेजोन ऐप न्यू लॉन्च, देख सकते हैं मेरा 8 में रैंक हो रहा है, तो है ना कमाल का। देख सकते हैं मेरा व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं है लेकिन 13 व्यूज़ हैं, लेकिन देखिए मेरा नीचे जो है ना उसका देखिए वीडियो कितना है 1 ईयर एगो और 16K व्यूज़ हैं। उसके बाद भी देखो इसका 13K व्यूज़ है 3 मंथ एगो, उसके बाद भी देखो इसके 15K व्यूज़ हैं। तो क्या लगता है जो मेरा व्यूज़ इतना कम है फिर भी मेरा देखो 8 में रैंक कर रहा है। मैं वही वीडियो को इसी वीडियो को कुछ कीवर्ड देखो और भी सर्च कर लेता हूँ, जो अमेजोन ऐप न्यू लॉन्च, अमेजोन लॉन्च न्यू फीचर्स। देख सकते हैं जो अमेजोन ऐप न्यू फीचर्स में ओपन कर ले, ओपन करने के बाद देख सकते हैं मेरा वीडियो कितना में आ रहा है, 1, 2, 3, 4th में आ रहा है। तो है ना कमाल का भाई, देख सकते हैं मेरा वीडियो में इतना व्यूज़ नहीं है, मेरा वॉच टाइम ज़्यादा नहीं है, मेरा ऑडियंस रिटर्न से जो अच्छा नहीं है, फिर भी मेरा वीडियो आज 4th में रैंक कर रहा है, तो मैं कैसे पॉसिबल किया हूँ। तो हर एक में नया यूट्यूबर के मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये दिमाग से हटा दीजिए, जो जिनका ज़्यादा व्यूज़ होगा, जिनका ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, जिसका ज़्यादा ऑडियंस रिटर्न आएगा उसका वीडियो रैंक करेगा, ये तो आपको दिमाग से हटा देना चाहिए। आप भी हो सकता है आप भी आपका वीडियो को रैंक में ले आ सकते हैं। चलिए तो ये एक वीडियो चला गया, मैं और एक भी कीवर्ड देके इसे सर्च करके देखता हूँ जो क्या होता है, जो हाउ टू अपडेट अमेजोन ऐप। देख सकते जिसके इसके भी मैं सर्च कर ले ये भी कितना में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5th में आ रहा है। तो है ना कमाल का टिक्स, देख सकते हैं भैया जो कितना कमाल का हो गया मेरा, जितना भी कीवर्ड लगा रहा हूँ 4-5 तो कीवर्ड में मेरा रैंक में आ ही जा रहा है, या 4th में आ रहा है, या 5th में आ रहा है, या 3 में आ रहा है। तो आप भी चाहते हैं तो आपके भी वीडियो आ जाएगा। चलिए तो ये चला गया एक वीडियो, और एक बार मैं यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, वॉस्टी स्टूडियो को, वो जैसे मैं ओपन करता हूँ वॉस्टी स्टूडियो को, ओपन करने के बाद मैं और एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, जो और एक मैं वीडियो ओपन किया था जो MIUI जो फीचर्स के लेके। देखिए इसका वीडियो को आप लोग इंटरफेस पहले देख लीजिए, ये भी 6 डे पहले, इसको 1 वीक हो गया। देख सकते हैं इसका भी रैंकिंग कितना है, व्यूज़ कितना, 14 है। एवरेज ड्यूरेशन देखते हैं 0.31, और वॉच टाइम कितना 7 हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑडियंस रिटर्न कितना है। देख सकते हैं इसका ऑडियंस रिटर्न कितना है, 8.1। देख सकते हैं YouTube सर्च 15 है, इतना ज़्यादा हुआ है। तो चलिए अभी मैं फिर YouTube को ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं YouTube को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं कुछ सर्च करूँगा जो यूजर स्टैटिस्टिक बोल के, यूजर स्टैटिस्टिक्स इन MIUI 12 ये सर्च कर लिया हूँ, ठीक है। यूजर स्टैटिस्टिक इन MIUI 12 जैसे ही मैं सर्च कर लिया हूँ, देख सकते हैं जैसे मैं यूजर स्टैटिस्टिक MIUI 12 सर्च कर लूँ, देख सकते हैं मेरा वीडियो 3 में रैंक कर रहा है, 3rd में रैंक कर रहा है। तो भाई कैसे पॉसिबल है, मेरा वीडियो में व्यूज़ इतना नहीं है, देखते 10 व्यूज़ जितना दिखा रहा है, और किसी का देख सकता है 884 व्यूज़ हैं, किसी का 275K व्यूज़ हैं, और किसी का 431K व्यूज़ हैं। तो सोच सकता है जो इनका इतना व्यूज़ होने के बाद भी मेरा वीडियो उनको ऊपर में चला गया, तो मैं कैसे पॉसिबल किया हूँ। चलिए ये तो एक कीवर्ड चला गया, मैं और एक कीवर्ड देकर सर्च करता हूँ, जो हाउ टू चेक यूजर्स स्टैटिस्टिक्स इन MIUI 11। तो देख सकते हैं दोस्तों ये भी कमाल हो गया, शायद मेरा वीडियो 6th में रैंक कर रहा है। तो है ना कमाल का, आपको लगते होंगे जो सुब्रत भाई आप कैसे किया है मेरा कोई बोल दो, लेकिन मैं सच में बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप एक नया यूट्यूबर हैं तो आपको माइंड में चलते होगा जो आपका वीडियो रैंक में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन देख सकते हैं जो मेरा भी एक नया यूट्यूब ओपन किया हूँ, मेरा भी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मेरा भी 1K सब्सक्राइबर है, और साथ ही साथ मेरा व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आता है, मेरा वॉच टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग को तो लाइव प्रूफ दिखा दिया हूँ। चलिए इसको मैं फिर गूगल में चला जाता हूँ, गूगल में जाने के बाद भी आपको सर्च करके देखा तो जो गूगल में रैंक करते हैं कि नहीं करते, तो मैं गूगल को ओपन कर लिया हूँ। तो ओपन करने के बाद मैं सर्च करूँगा यूजर स्टैटिस्टिक्स
जियो स्टैटिस्टिक MIUI 11। जैसे ही मैं यूजर स्टैटिस्टिक का वीडियो में क्लिक कर दूंगा तो देख सकता है मेरा वीडियो, देख सकता है कितना 6 में रैंक कर रहा है। तो है ना कमाल का टिक्स भाई, और मेरा वीडियो आज गूगल में भी रैंक कर रहा है। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मैं SEO भी इतना नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी मेरा वीडियो को रैंक में करा दिया हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे जो सुब्रत भाई कैसे किया, थोड़ा सा हमको भी बोल दो। जरूर मैं आपको बोलने वाला हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो भाई आप कैसे रैंक किया है, तो जरूर मैं आपको अलग वीडियो बना के दे दूंगा। यही वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जरूर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो जो नया यूट्यूब ओपन किया है, जिन लोगों को लाग दिया जो वीडियो रैंक में लेकर आना बहुत ही मुश्किल का काम है। मैं आपको 100% उम्मीद करता हूँ जो आपको मैं सच्चे जानकारी दिया हूँ। तो साथ ही साथ अगर आप बोलेंगे जो मोबाइल से कैसे आपको वीडियो को रैंक में लेकर आना, मैं वो भी वीडियो आपको जरूर बना दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना वीडियो को, और साथ ही साथ अगर मेरा यूट्यूब चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना। चलिए मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।